Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 15th of May and the time duration is around 12:32. I have already checked the slot for Jaipur and New Delhi location. The slots are not available for both the location as of now. जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने सारे स्लॉट वगैरह चेक कर लिए दो लोकेशन के. साइट बहुत ही स्लो वर्क करी, 15-20 मिनट हो गए, मॉर्निंग से भी लॉकडाउन था तो अभी कोई स्लॉट्स ओपन नहीं है. और न्यू दिल्ली लोकेशन का चेक किया, वहाँ तो कोई ओपन स्लॉट्स है ही नहीं, सारी कैटेगरी के क्लोज कर दिए उन लोगों ने अभी. और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो दूसरी लोकेशन जयपुर लोकेशन में नेशनल एम्प्लॉयमेंट में कुछ ओपन नहीं है अभी. इसके अलावा अभी आपको और दूसरी लोकेशन का भी चेक करके इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा. इससे पहले कहना चाहता हूँ, जो भी अपडेट आ रहा है मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर नहीं अवेलेबल है तो वही शो करूँगा. कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शो नहीं कर सकता हूँ. जो भी अपडेट है डेली बेसिस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. और इससे और बताना चाहता हूँ, न्यू दिल्ली लोकेशन के जो स्लॉट्स अभी प्रोवाइड किए गए हैं, न्यू दिल्ली लोकेशन के आपको बताने वाला था, जो स्लॉट्स अभी प्रोवाइड किए गए थे अभी 16 तारीख तक का अभी बुक हो चुके हैं, जून 16 तक का बुक हो चुके हैं. 3 वीक के पूरे स्लॉट्स बुक कर रखे हैं उन लोगों ने. इसके बाद जो स्लॉट्स आएंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी जून लास्ट के अब मिल पाएँ स्लॉट अगर अवेलेबल होते हैं. इसके अलावा लास्ट वीक भी अभी स्लॉट ओपन हो रखे थे, मंडे को बुकिंग और की है. एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने अपना मेरे को अपॉइंटमेंट भेजा था जो 16th ऑफ जून का है, और जो बुक हो रखा है वो मे अभी लास्ट वीक मंडे को बुक हो रखा है, 12:00 में बुक हो रखा है. तभी साइट वर्क नहीं कर रही थी उस टाइम पर, तो 3 दिन के अंदर भी बहुत स्लॉट बुक हो रखे हैं जब साइट वर्क नहीं कर रही थी. जो लॉगिन कर पाया, जिसने लॉगिन करा उसने बुक कर रखे हैं. उसके बाद अलावा मंडे को भी बुकिंग और की है. अब जो भी अपडेट आएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसके बेसिस पे. इसके अलावा अभी मैं जयपुर लोकेशन का चेक कर रहा था मॉर्निंग से, इसमें कोई ओपन नहीं है स्लॉट्स. और न्यू दिल्ली लोकेशन के तो कोई ओपन सेलेक्टेड क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी स्लॉट्स ओपन नहीं है जयपुर लोकेशन के लिए. इसके अलावा सेम गोस फॉर साउथ लोकेशन एज वेल. तो मैंने सारे चेक कर लिए, इसमें जो भी अभी चेन्नई लोकेशन था और उसके बाद बैंगलोर लोकेशन है और मुंबई लोकेशन है, इसमें स्लॉट्स ओपन नहीं है. कोलकाता का भी ओपन नहीं है. और जैसे स्लॉट्स ओपन हो, अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. अभी मैं भी देख रहा हूँ, अगर आज मिल जाए जयपुर लोकेशन का, जयपुर या दिल्ली में अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता तो फिर क्या सेम सिनेरियो फॉलो करना होगा. इसके अलावा कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसके रिगार्डिंग. और अगर आप लोग एजेंट के रिगार्डिंग मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एजेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही शेयर करी है, आप वहाँ जाके चेक कर लें. इसके अलावा कहीं पे किस टाइम पे स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं आप दोबारा लॉगिन करके एक बार चेक कर लें. अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दिन के बेसिस पे क्या स्लॉट्स ओपन है, कभी कब स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा. और इसके अलावा अगर कोई मेरे से पूछेगा स्लॉट्स कब ओपन होने वाले हैं, उसकी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जो मैं इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है मैं वही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ. अगर कुछ ओपन होता है तो मैं आपको बता दूंगा. इसके अलावा मेरे कोई टाई अप नहीं है VFS के साथ. जो टाइम ड्यूरेशन होता है मंडे टू फ्राइडे का टाइम ड्यूरेशन है. मंडे टू फ्राइडे आपको लॉगिन कर लें आप 10 से 5. अगर इस बीच में अगर कुछ स्लॉट्स ओपन होते हैं तो आप बुक कर सकते हैं. इसके अलावा आपको रेगुलर इंटरवल में चेक करना होता है. मेरे पे कोई अपडेट नहीं आ रहा है वहाँ से, इस डेट को अपॉइंटमेंट ओपन होने वाले हैं. मैं अभी न्यू दिल्ली और इस लोकेशन का बता दूंगा आपको. 16 तक का बुक हो चुके हैं, इसके आगे जो बुक होंगे 3rd-4th week का बचा. 4th week में अभी देखते हैं, 21 के बाद का अगर कुछ स्लॉट्स ओपन होते हैं तो जून के, तो अभी हम वाले स्लॉट्स बुक करवाएंगे. उसके अलावा अभी के लिए फॉर अ टाइम बीइंग 3 घंटे से तो अभी कोई स्लॉट ओपन नहीं हुए. तो आज मैं भी 12 बजे से लॉगिन हुआ हूँ. अब मैं 12 से 3-4 बजे तक अभी रेगुलर लॉगिन हूँ. कुछ अपडेट आता है तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं आया तो फिर अदरवाइज वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा होगा नहीं. और अभी साइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है 12 बजे बाद. एक भी टैब अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट कोई भी कैटेगरी में चेक करना हो रहा तो 3-4 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लग जा रहा है अभी. तो अभी आप चेक करते रहें, अभी टाइम साइट बहुत स्लो है, बहुत लोगों ने लॉगिन किया होगा. तभी देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कि अभी 1-2 घंटे के अंदर स्लॉट्स ओपन हो, यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है. नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं इसके अलावा, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैव राइट नाउ. न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए अभी फॉर अ टाइम बीइंग सारे स्लॉट्स फ्रीज कर दिए हैं. नेशनल एम्प्लॉयमेंट भी फ्रीज है, नेशनल स्टडीज़ भी है, इसके अलावा अदर सारे जो भी कैटेगरी हैं सारे फ्रीज़ कर दिए हैं. अगर आप न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए बुक करें तो कुछ अवेलेबल नहीं है. अगर एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ओपन करते हैं तो देन आप उस टाइम पर बुक कर सकते हैं. अदरवाइज शैनगन टूरिस्ट सारे स्लॉट्स उन लोगों ने फ्रीज़ कर दिए हैं. इसके अलावा अगर आप न्यू दिल्ली, अभी मैं जयपुर लोकेशन का आपको चेक करके बता दे रहा हूँ, नॉर्थ वाली साइड में अदर में ओपन है नहीं है. अगर हम जयपुर लोकेशन का देखते हैं तो स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर नेशनल स्टडीज़. और जो टाइम ड्यूरेशन है, जो अगले स्लॉट अभी अवेलेबल है वो है आपका 9th of June का. अगर आपको किसी को नेशनल स्टडी में बुक करना है, दे कैन बुक इट फ्रॉम है. अभी स्लॉट्स ओपन है, अभी आप जाके चेक कर लें नेशनल स्टडीज़ के अंदर. इसके अलावा नेशनल अदर में भी कैटेगरी में ओपन होंगे. तो मैं अभी एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट में अभी अपडेट हुआ नहीं हुआ.
क्योंकि 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है स्लॉट्स अपडेट हो जाते हैं। रेस्ट जो प्रॉब्लम इसमें ऐसा हो जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है इसमें, कोई भी कैटेगरी आप ओपन हो रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लग रहा है अभी पूरा लोड होने में। शायद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तभी साइट बहुत स्लो वर्क कर रही है अभी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। और इसके अलावा साउथ साउथ जोन में अभी बैंगलोर लोकेशन में ओपन हो गए थे 1 दिन में, उसके अलावा उसके बाद कुछ अपडेट आया नहीं साउथ जोन लोकेशन के लिए, वहाँ के दोबारा फ्रीज़ कर दिए गए हैं। अगर कुछ अपडेट आता है कुछ बुकिंग वगैरह होती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा साउथ जोन के लिए, अगर कुछ अपडेट आता है तो वहाँ पर। फॉर अ टाइम बीइंग अभी कुछ अवेलेबल नहीं है उस लोकेशन पर, पूरे स्लॉट्स फ्रीज हैं और कुछ अपडेट नहीं है कि कब स्लॉट्स ओपन होने वाले हैं। जयपुर लोकेशन का दोबारा चेक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आउटकम आता है। नो स्लॉट्स अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, फॉर दिस अपॉइंटमेंट कैटेगरी मेंशन आ गया यहाँ पे। तो इस हफ्ते अब देखते हैं, मैं तो पूरा लॉगिन रहता हूँ 2-3 दिन जितना भी टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि 2-3 महीने ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि स्लॉट्स ओपन नहीं हो रहे, हम लोग बुक नहीं कर पा रहे हैं, मेन इशू ये आ रहा है। अभी वाला टाइम आया था पहले, अभी लास्ट वाले टाइम पे मेरे से बुक नहीं हो पाया तो टेक्निकल इशू आ गया था। उसके अलावा कभी कभी ऐसा हो रहा है कि स्लॉट्स ओपन होते हैं 1-2 मिनट के टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग बुक नहीं कर पाते नॉर्थ लोकेशन के लिए। नॉर्थ का अगर देखूँ तो मुंबई लोकेशन, मुंबई का तो नहीं बैंगलोर लोकेशन में ओपन हो रखे थे उस दिन, लोगों ने स्लॉट्स बुक कर रखे हैं जो कर पाए, जो टेक्निकली जिसका सिस्टम पूरा प्रॉपर फाइन वर्क प्रॉपर वर्क कर रहा है वो लोग बुक कर पा रहे हैं। मैं भी बुक नहीं कर पाया न्यू दिल्ली लोकेशन का, अदरवाइज़ एक और लोकेशन थी इसमें जयपुर लोकेशन का, 2 टाइम मैंने ट्राई किया मेरी साइट क्रैश हो गई। तो देखते हैं अगर इस हफ्ते मिल जाए तो वेल एंड गुड है। इस अभी मैं 2-3 घंटे लगातार लॉगिन हूँ, कुछ भी अपडेट आता तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग भी कॉन्टीन्यूस बेसिस पे इसको चेक करते रहें, कुछ अपडेट आया तो आप भी, ताकि आप लोग भी कुछ भी अपडेट आएगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकें, क्योंकि जो स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए ओपन होते हैं। तो एक्टिव रहें 4 बजे तक तो एटलीस्ट एक्टिव रहें, क्या पता अगर स्लॉट्स ओपन होंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार लॉगिन करके ट्राई दोबारा कर लें, नहीं तो अगला ऑप्शन खाली एजेंट का ही आता है। एजेंट को अगर आप रीच आउट करना है तो मैंने नंबर वगैरह शेयर करें, वो लोग भी सेम प्रॉब्लम सेम सॉल्यूशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए एजेंट की डिटेल वगैरह मिलेगी तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जो बॉट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पे कोई नहीं है। और मैंने जिनसे रीच आउट करने की कोशिश भी की है तो वो लोग अपनी डिटेल वगैरह शेयर करते हैं नहीं। 2-3 लोगों से मैंने ईमेल के थ्रू रीच आउट किया था पर उन लोगों ने अपनी डिटेल वगैरह शेयर करी नहीं, क्योंकि वो सब लोग एजेंसी के थ्रू वर्क कर रहे हैं और एजेंसी उनको अपॉइंटमेंट दिला रही, बहुत लोगों को मिल रही है अपॉइंटमेंट 27,000 कोलकाता लोकेशन की 27-30,000 में मिली थी किसी को। अभी किसी ने मेरे को अपना अपॉइंटमेंट दिया था न्यू दिल्ली लोकेशन, उनका भी ऐसी था अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के अंदर मिली थी उन्हें अपॉइंटमेंट। साउथ की थोड़ी ज़्यादा और की 85,000 रुपये ले रहे हैं लोग साउथ की, 40,000 से 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली। अगर किसी एजेंट का नंबर वगैरह आता तो मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी फॉर अ टाइम बीइंग जो ओल्ड एजेंट हैं उनसे ही रीच आउट करें और मेरे को लगता है कि वो लोग भी सेम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उनको भी कुछ ऐसा टेक्निकल कुछ आता है नहीं मेरे को लगता, वो लोग भी एक सेम सिस्टम हमारी तरफ फॉलो कर रहे हैं और लॉकडाउन है बस हो गया। अगर इसमें कुछ ऑटोमेशन जो लोग रन कर रहे हैं तो वो लोग बुक कर पा रहे हैं इसमें, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज़ आप लोग भी सेम सिनेरियो फॉलो करें। अगर आपको ये जो सिंपल एजेंट है इनसे रीच आउट करना है तो कर लें और पेमेंट का भी देख लें, ईमेल आईडी का भी देख लें और जो आप अपॉइंटमेंट अगर उससे बोलें, एक बार अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली है तो एक तरीका ऐसा होता है कि आप चेन ईमेल से चेक कर सकते हैं ओरिजिनल सोर्स होता है। जो दूसरा ऑप्शन आता है देखो ईमेल अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है ना, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें डिटेल वगैरह फिल करने का ऑप्शन आता है, तो उससे बोलें कि स्नैपशॉट दें जहाँ पर को जैसे अपनी डिटेल वगैरह आपकी फिल करेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट लेके दें। उसके अलावा जो आप जहाँ पर को लिस्टेड होता है जैसे आप स्क्रीनशॉट जैसी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर इसमें ऑनलाइन शो होता है, तो ओरिजिनल सोर्स से उसका भी स्नैकेट लेके दे दें बोलें। अगर ऐसे दिखाएंगे तो इसमें भी पता चल जाएगी आपका ओरिजिनल सोर्स क्या है और यहाँ से जो ओरिजिनल ईमेल अगर भेजेगा तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज जो अदर सोर्स है ईमेल के थ्रू ही आपको पता लगेगा। इसके अलावा अगर आपका ईमेल आईडी यूज़ नहीं कर रहा तो फिर आप चेक नहीं कर सकते, तो ये 3 ऑप्शन है, आप 3 में से कुछ भी ऑप्ट कर लें। या तो आपकी ईमेल आईडी यूज़ करेगा तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, अगर वो ईमेल आईडी यूज़ नहीं कर रहा तो उससे बोलें कि ऑनलाइन में जाके या तो एक वीडियो शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें, ईमेल अपॉइंटमेंट लेटर में क्लिक करेगा वो अपनी डिटेल वगैरह डालेगा तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ ऑनलाइन शो हो जाएगा। 2 ऑप्शन ये होते हैं, जैसे मैंने तीसरा सोर्स बताया था, तीसरे सोर्स में ऐसा होगा कि आपको जो ओरिजिनल ईमेल आया है वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह हो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से रिवॉर्ड कर दूंगा। और इसके अलावा आपकी कुछ VFS की क्वेरी होती है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके उनसे पता कर सकते हैं, वो लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। जो भी रियल टाइम अपडेट होता है वो लोग वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। मैं यहाँ आपको डेली बेसिस पर जो भी VFS का अपडेट आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं वाया कॉमेंट्स,
मैं जितनी एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करूँगा कि आपको रिवर्ट कर सकूँ। इसके अलावा साइट तो ऐसी चल रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।